किसका बहू था? क्यों क्या मरे थे, क्यों डरा? अलाकार क्या हुआ? अबू का नाम क्या थे? तो सर लेट थी गए हो, जिन्ना को मिलने आने उन्ना को मिल गए। वीडियो बना। हाँ ये दोस्तों बच्चे खड़े हैं इंतजार में कि गंदम हमें दी जाएगी, क्योंकि काफ़ी बच्चों को मिल चुकी है, अब उन्हें देनी हम लोगों ने बंद कर दी है। पहले शुरू शुरू में जब पहला कट्टू ये निकाला था तो इसमें से दी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राना मून और आप देख रहे हैं मून विलेज व्लॉग। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कनक जो गंदम थी उसकी कटाई हो गई थी, लेकिन हमें काफ़ी दिन से थ्रेशर नहीं मिल रही थी, जो कि आज मिल चुकी है और हमारी गंदम अब निकलेगी। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि गंदम निकलना शुरू हो गई है और फिर थ्रेशर भी अभी स्टार्ट होने वाली है। ये हमारे गट्टू रखे हैं काफ़ी सारे, ये लोगों के बाइक आए खड़े हैं, तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ थ्रेशर माशाल्लाह से गंदम धुलना स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी शुरू हो जाएगी थ्रेशर, पहले ये लोग ढेर लगा रहे हैं क्योंकि काफ़ी दूर से ढुलाई करनी है। जब ये थोड़ी सी यहाँ पे ढुल जाएगी तो फिर ये लोग इसको स्टार्ट कर देंगे। क्या बनाई है? किसका पूत? किसका पूत? क्यों क्या मरे थे, क्यों डरा? अल्लाह डर क्या हुआ? अब्बू का नाम क्या तेरे? कुछ भी नहीं है। कुछ भी कौन है, किसी का भी पूत कौन है, हैं? बगैर बाप क्या? ना कर सीरियस, बगैर बाप क्या? तेरी नाम अच्छा बस बस फिर बना ला। किसका पूत था? आसिफ का। आसिफ आसिफ कौन था? आसिफ तेरे लिए और काम करा। अच्छा देखो ये तस्वीर, ये क्या होने लग रहा? थ्रेशर लग रही। किस चीज की? कराने कनक की साथ कनक की थ्रेशर लग रही है। इतने बच्चे लग रही? बच्चे क्यों इकट्ठे हो रहे हैं इतने? ये कनक की कनक चुगने वास्ते है या थ्रेशर लग कर लेने वास्ते हैं? चुगने वास्ते भैया इकट्ठे कर रहे हैं, फिर थ्रेशर आएगी। चलो इतना थ्रेशर करके फिर बेचेंगे। ये दोस्तों लैंड के ऊपर से रेडी कटवा रहे हैं लड़के, ये इधर से गंदम की ढलाई हो रही है। अभी स्टार्ट शुरू कर, पागल हो रहा तू तेरा। ये दोस्तों आप लोगों को मैं कटर दिखाने जा रहा हूँ जिससे गंदम कटाई होती है। ये कटर है, ये ट्रैक्टर पे लगा होता है इसके ना, इधर से इसके ब्लेड लगे होते हैं नीचे, तो ये ब्लेड गंदम को काटते हैं, फिर ट्रैक्टर इस तरह सीधा जाता है। जी मासरा। ये दोस्तों हैंडल लग गया है माशाल्लाह से, थ्रेशर लग चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से। उस बंदे पे भूसा आ रहा था, अभी हवा भी बहुत तेज चल रही है, भूसा भी नुकसान होगा ऐसे ना, मतलब उड़ के ये दूर तक चला जाएगा फिर, क्योंकि हवा काफी चल रही है। ये दोस्तों आसमान पे देखें, आसमान पे इस तरह लाइनें कैसे बनी हुई है, बड़ी डिफरेंट डिजाइन। तो माशाल्लाह से ये शुरू होगी, आप लोगों को मैं करीब से जाके दिखाता हूँ। बंदा चढ़ गया है, अब ये जो है ना गंदम के सीटे डालेगा और एक साइड से गंदम निकलेगी, दूसरी साइड से भूस निकलेगा। उतरी आने के लिए
حرامی بچے ہیں یہاں کے، بہت شیطان. A few moments later. ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਥੀ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਮਿਲਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਿਲ ਗਏ. ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਟੇਸ ਹਾਂ, ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ, ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਦੇ. ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵਲੌਗ ਸ਼ਲੌਗ ਮੈਂ ਬਣੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ. یہ دوستو بچے کھڑے ہیں انتظار میں کہ گندم ہمیں دی جائے گی، کیونکہ کافی بچوں کو مل چکی ہے، اب انہیں دینی ہم لوگوں نے بند کر دی ہے. پہلے شروع شروع میں جب پہلا گٹو یہ نکالا تھا تو اس میں سے دی ہے. دوستو بہت دور سے یہ 2 کلو کی تقریباً لمبائی ہے جہاں سے وہ ڈھلائی کر رہے ہیں بیچارے. ادھر ادھر پھر ایک دھڑ ادھر لگائیں گے، ادھر سے بھی ادھر ڈھلائی ہوگی، اور ایک دھڑ لگائیں گے اس میں جا کے. پہلے یہ والی لگا کے شام تک یہ نکل جائے گی، پھر شام کو ادھر شروع ہوں گے. اس اللہ خیر کرے رات تک امید ہے بھی آدھی رات تک نکل جائے گی، 11-12 بجے تک اللہ خیر کرے، خیر خیریت سے نکال دے گندم. ماشاء اللہ شروع ہو چکی ہے، ابھی جا کے گھر جا کے تھوڑا سا آرام کرتا ہوں. یہ تو اب شروع لگی رہے گی کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے، بہت تیز گرمی ہے.